तो हमें पता चला है कि यहाँ से एक शॉर्टकट है, कच्चा रास्ता है, इसको वॉकिंग करके चूज करना है, ना कि बाइक या फिर कार, बिकॉज बाइक कार से वो दिखाएगा नहीं रास्ता। मॉर्निंग गाइस, तो टुडे इज़ द फोर्थ डे ऑफ आर राइड और अभी हम हैं ढोलावीरा में। सुबह के 7:15 बज रहे हैं, अभी हम निकल रहे हैं। ब्रेकफास्ट तो नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि ब्रेकफास्ट सुबह 8 बजे होता है और उसके पहले हमको निकलना है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे एंड मिडवे कहीं पे ब्रेकफास्ट करेंगे। आज हम जाने वाले हैं टू भुज, भुज एज इन विल गो टू कारूडोंगर। कारूडोंगर से हम लोग जाएंगे डोडो, जहाँ पे कच फेस्टिवल होता है, और वहाँ से हम लोग जाएंगे भुज, जहाँ पे हम लोग का अकोमोडेशन है। तो आज हम लोग है ना एक शॉर्टकट से जाने वाले जो भुज के लिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये शॉर्टकट क्या है, और इसमें एटलीस्ट 130 किलोमीटर आपके बचते हैं भुज जाने के। चलो आई कैच अप विद यू। सो गाइस, हम आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, बोलो अम्बे माते की जय। इट्स 7:33 इन द मॉर्निंग नाउ और अभी हम निकल गए हैं। द ओरिजिनल प्लान वॉज 7, बट ठीक है, चलो कोई नहीं, आधा घंटा लेट है। ढोलावीरा से जो शॉर्टकट है तो वो भुज, एज इन आज हमारा प्लान था ढोलावीरा से हम लोग कारूडोंगर करेंगे, ढोड़ा करेंगे जहाँ पे रन उत्सव होता है, एंड देन नाइट स्टे इन भुज। तो हमें पता चला है कि यहाँ से एक शॉर्टकट है, कच्चा रास्ता है, तो आप जब भी निकलते हो ढोलावीरा से खावड़ा गांव आपको डेस्टिनेशन में डालना है, और इसको वॉकिंग करके चूज करना है, ना कि बाइक या फिर कार, बिकॉज बाइक कार से वो दिखाएगा नहीं रास्ता। तो इस रास्ते से आपका 130 किलोमीटर बचता है। तो अभी हम खावड़ा गांव जाएंगे, खावड़ा से फिर हम लोग जाएंगे कारूडोंगर, कारूडोंगर से हम लोग जाएंगे डोडो जहाँ पे रण उत्सव है, और वहाँ से नाइट से भुज। ओके, नीचे से है। थोड़ा संभाल के चलाते हैं क्योंकि ये कीचड़ है, यहाँ पे हमको एंट्री करनी पड़ती है और देन यू आर अलाउड टू गो अहेड। ये BSF का पोस्ट है, तो आपको ये रास्ते से जाना है, तो यहाँ पे आपकी आधार कार्ड की एंट्री, आपका नाम, गाड़ी नंबर वगैरह सब लेते हैं। दोस्तों ये काफी खूबसूरत है, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। वेयर इन द मिडल ऑफ नोवेयर, आप देख सकते हैं काफ़ी कीचड़ है यहाँ पे। द रीज़न इज अभी गुजरात में, एज इन ढोलावीरा में 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी, तो उसकी जिसकी वजह से काफ़ी कीचड़ हो गया है, बट देन कुछ दिनों के बाद
तबीयत थोड़ा सूख जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से काफी हैवी व्हीकल्स जाते हैं जिसकी वजह से पूरी मिट्टी उखड़ गई है। नहीं गाड़ी जाती है, अभी हम लोग BSF वाले हैं ना, उनसे पूछा और कुछ। हाँ आप हरियाणा से हैं, मतलब इतनी दूर है गाड़ी लेके? 130 किलोमीटर बचते हैं, मतलब ऑलमोस्ट ऐसे जाएंगे तो 5 hours जर्नी है, तो ये सीधा जाते हैं तो 2 hours अप्रोक्सीमेट है। हाँ मतलब 50 किलोमीटर है जिसको, अरे नहीं है ऐसे जाएंगे तो ज्यादा लगेगा, 5 घंटे से भी ज्यादा जाएंगे। चलो नाइस मीटिंग यू, या थैंक यू। फैमिली जो मिली थी दे आर फ्रॉम हरियाणा, अपनी गाड़ी में ट्रेवल करके आए हैं गुजरात घूमने के लिए। नाइस फैमिली, अच्छा लगता है जब ये आप घर से कहीं दूर हो और आपसे कोई अपने मन से बात करता है तो इट फील्स गुड, दैट इज व्हाट जर्नी मींस। गाइस जस्ट सी दिस इज सो ब्यूटीफुल, बेहद खूबसूरत है, नेचर प्लेज अ मैजिक, ये है कुदरत का करिश्मा। सो गाइस हम यहाँ पे थोड़ी देर रुके हैं ताकि इस नजारे को एंजॉय करें और नेचर से थोड़ी बात करें। बेहद खूबसूरत है ये, रियली ब्यूटीफुल, रियली ब्यूटीफुल। कोई नहीं इस रास्ते पे, बस हम हैं। ये थोड़ा पानी सूख गया है तो ये चमक रहा है, तो इट्स ग्लिटरिंग लाइक डायमंड्स। एक छोटा सा आइलैंड है बीच में जहाँ पे ये सड़क कनेक्ट हो गई और अभी ये फिर से शुरू हो रही है पानी के बीच में से। फिर से एक लंबा स्ट्रेच आउट ऑफ नोवेयर, ये नजारा देखो, दिस इज द रण, दूर दूर तक कुछ नहीं, सिर्फ एक नमक की सफेद चादर फैली हुई है।
दूर दूर तक सिर्फ शांति ही शांति है, कुछ भी नहीं यहाँ पे, कुछ भी नहीं। बस ये इक्का दुक्का गाड़ियां जाती है यहाँ से, वो भी कंस्ट्रक्शन वाली गाड़ियां हैं। जैसे मैंने कहा था ये शॉर्टकट है, और अभी भी काफी लोगों को ये पता नहीं है। आप जब भी यहाँ के लोकल से इंटरेक्ट करोगे तो आपको इस रोड के बारे में बताएंगे। तो ये जो रास्ता है ये सिर्फ सनराइज टू सनसेट ही चालू होता है, उसके बाद यहाँ पे अलाउ नहीं है, बीएसएफ वाले आगे जाएंगे नहीं दे रहे आपको। धूप बहुत तेज है, तो हमने यहाँ पे एक ट्रक था खड़ा, तो उसकी छाँव में हम लोग रुक गए, क्योंकि बोलते ये कुछ 50 किलोमीटर का रास्ता है, अभी हमने अराउंड 22 किलोमीटर किए हैं और हमें 28 किलोमीटर्स करने हैं। तो सोचा थोड़ी सी छाँव में बैठते हैं, रुकते हैं, बाद में फिर आगे चलते हैं। हम अभी आगे निकल रहे हैं। गूगल भैया बोल रही है कि अभी और 31 किलोमीटर हमको जाना है टू क्रॉस दिस एंटायर स्ट्रेच ऑफ नो मैन्स लैंड। तो चलो फिर मिलते हैं। पक्की सड़क शुरू हो चुकी है, विच इज एग्जैक्टली 37.5 किलोमीटर्स, सॉरी 35.5 किलोमीटर्स। जो गांव है यहाँ से 21 किलोमीटर्स है जहाँ पे हम निकलने वाले हैं बाहर। वैस ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू।